मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मुमरा में एसआरपीएफ द्वारा 7 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। ये 7 लोग में से एक कार चालक जो राजस्थान का रहने वाला है। मुमरा के अमृत नगर सत्यम अपार्टमेंट में रहने वाले ये 6 लोग राजस्थान के अजमेर से जिला अधिकारी के परमिशन लेटर लेकर मुमरा आ रहे थे। राजस्थान से मुमरा आने के लिए ये 6 लोग और एक कार चालक यानी कुल मिलाकर 7 लोग एक टोयोटो कार में सवार थे और ये 7 लोग राजस्थान से तो सकुशल चले आए, लेकिन मुमरा में दाखिल होते ही एसआरपीएफ द्वारा इनकी पिटाई हो गई। आपको बता दें कि इन 7 लोगों को रास्ते में कई जगह चेक किया गया और इनकी मेडिकल जाँच भी की गई। जिला अधिकारी का परमिशन होने की वजह से रास्ते में इन्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हुई, मगर जब ये लोग मुमरा में आज शाम को दाखिल हुए तो शंकर मंदिर के पास एसआरपीएफ ने इन्हें रोक लिया। इन युवकों का आरोप है कि जिला अधिकारी का लेटर एसआरपीएफ वालों को दिखा रहे थे, मगर एसआरपीएफ देखने को राजी नहीं थी और टोयोटो कार से 7 लोगों को नीचे उतारकर पिटाई कर दी। युवकों के बताने के अनुसार एसआरपीएफ वालों को मारने के पहले क्या परमिशन लेटर नहीं देखना चाहिए, जबकि मुमरा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आश्वासन दे चुके हैं कि किसी को भी नहीं मारा जाएगा, मगर वहीं एक साथ एसआरपीएफ ने 7 लोगों की पिटाई कर दी है, जबकि इनके पास राजस्थान से मुमरा आने के लिए इजाज़त थी। तो फिर आखिर इन 7 युवकों की पिटाई क्यों की गई? जिन युवकों की पिटाई की गई है उनके नाम है शेख फैजान, शेख सुफियान, शाहिद कच्छी, यूसुफ जानी, अमन सईद और उमर, और इनके साथ कार चालक जो नारू नाथू नाम है, जो राजस्थान से इन 6 लोगों को मुमरा छोड़ने आया था और एसआरपीएफ द्वारा इन 7 लोगों की पिटाई की गई। इसकी जानकारी जब मुमरा पुलिस को दी गई तो मौके पर पीआई रामचंद्र वलतकर भी पहुंचे और युवकों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। आखिर एसआरपीएफ ने क्यों मारा? पुलिस ने युवकों से तो पूछताछ कर ली है, मगर युवकों के पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और इस पूरी घटना के बारे में युवकों ने क्या जानकारी दी है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग राजस्थान अजमेर से आ रहे थे। अजमेर से हम लोग को परमिशन मिला बाकायदा, यहाँ से परमिशन किससे लिए? कलेक्टर के वहाँ से। अच्छा। दरगाह कमेटी से हमको बात हुई, दरगाह कमेटी में हम लोग गए थे तो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, वहाँ पे अंदर डीसीपी बैठा था, उन्होंने पूरा काम किया कलेक्टर का जो भी है पूरा सिग्नेचर के साथ में। शाम को हमारे लोता खुलने से पहले हमारे को फ़ोन आया कि तुम्हारे को परमिशन सक्सेस हो चुका है, तुमको निकलना है और हम लोग को जाना है। तो हम लोग वहाँ से पूरा कुछ हो गया है, वहाँ पे हम लोग कुछ निकले 12 बजे रात में, कल रात में 12 बजे निकले। तो यहाँ तक आने तक कुछ नहीं हुआ हम लोगों, ना गुजरात बॉर्डर पे, ना अपना महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी नहीं, पालघर में वहाँ पे सब कोई छोड़ दिया और अपना फाउंटेन होटल पे भी सर्कल पे वहाँ भी थे पूरी तैनात, वहाँ पे भी कुछ नहीं बोल रहे, पेपर दिखाए तो वहाँ भी छोड़ दिया हमको। मुमरा में भी हमको सर्कल पे, स्टेशन पे, पुलिस चौकी तलक कोई नहीं कुछ बोला, सब कुछ खड़े थे, पर रुकाया तक नहीं हमारी गाड़ी वहाँ पे शमशाद नगर में। ये शिवाजी अपना शमशाद नगर में एसआरपीएफ खड़ी थी, 8-10 जन थे उन लोग, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी को रुका दिया गया। रुकाया हम लोग, गाड़ी भगाए भी नहीं, भगाए हम गाड़ी रुकाए, हमारे पेपर हमारे पास थे, क्योंकि जो पेपर हमारे हाथ में है वो पेपर हम उनको दिखा रहे तो वो लोग नहीं जानते, बोले पेपर को तुम गाड़ी से बाहर उतरो, तो हम लोग कुछ बिना कुछ बोले पूरा गाड़ी से 7 के 7 बंदे बाहर उतरे प्लस ड्राइवर, हम लोग 6 जन थे प्लस ड्राइवर था। तो हम लोग बाहर आए, बाहर हमको लाइन से खड़ा कर दिए, एक लाइन से खड़ा करके उन लोग बोले कि उठ बैठ करो, अगर एक भी बंदा 1 मिनट के लिए भी रुक गया ना तो उनको मारेंगे यहीं। और वैसा ही हुआ, हम लोग को नहीं हो रहा था, हम लोग रोजे की हालत में, हम लोग को बोले कि हम रोजे में है, तो हम लोग वो बोले हम क्या करें उसमें, हम नहीं जानते वो सब, तुम्हारी में वो क्या है, मतलब बहुत कुछ चुका उन लोग, हम लोग भी बोले नहीं। फिर हम लोग उठ बैठ भी किए और उठ बैठ में हम लोग को उन लोग ने मारे, पैर पर मारे, किसके पीठ पे मारे, पीछे से मार रहे थे और उठ बैठ भी करा रहे थे, मतलब 5 से 7-8 मिनट हमको पूरा उठ बैठ, फास्ट उठ बैठ कराए, रुकने पे हमको मारा जा रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग को वहाँ पे उन लोग को फिर उसके मारने के बाद में उन लोग को परमिशन लेटर देख रहे हमारा, फिर उसके बाद में हमको छोड़ रहे, बोल रहे हमारे को माफ़ी मांग, अब गलती से हो गया, ऐसे कैसे गलती से हो, जबकि गाड़ी पे परमिशन लेटर लगा हुआ है 7 जन का और ये हमारे हाथ में लगा हुआ है हमारा मेडिकल, और वहाँ से निकलने का पूरा 7 आदमी का लेटर, ये सब देखाया, ये सब नहीं देख रहे थे उन लोग, पहले मारे उसके बाद उन लोग ने
फिर देखे, फिर बोलते हमारे से गलती हो गई, फिर वहाँ से हमको छोड़े, हम लोग आए अपने घर पे। अभी तक हम लोग को खड़े रहने की ताकत नहीं है, 2 घंटा हो गया हम लोग को, अभी तक खड़े रहने की ताकत नहीं है, घर पे जाके ना कुछ खा पाया अभी तक हम लोग। गाड़ी से उतार के लाइन से खड़ा करके उठ बैठ करा के सीधा मारना चालू कर दिया, कुछ सुने नहीं हमारी बात, कुछ भी नहीं सुने। हम लोग बोले रोजे से है, बोले हम लोग एहसान करे रोजे से और मारना चालू करे। गिरा गिरा के मारने के बाद 5-10 मिनट कुछ मारे, उसके बाद बोलते गलती होगी, हमने देखा नहीं था आपका, ये परमिशन आपका देखे नहीं थे, ये पता दिखना चाहिए कि मारना चाहिए, दिखना चाहिए मारना, कौन से इनको ऑफिसर इनको ऐसी ड्यूटी दिए क्या, पहला मारो बांध में देखो। बहरहाल जिन युवकों की पिटाई की गई है वो अपने घर में है और जो कार चालक है वो वापस राजस्थान लौट गया है। वहीं PI रामचंद्र वलतकर ने बताया है कि SRPF से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर जब जिला अधिकारी का लेटर इनके पास मौजूद था तो आखिर इनकी पिटाई क्यों की गई, क्या वाकई में इन युवकों ने भी कोई गलती की जिसके बाद SRPF ने इनकी पिटाई की है, या फिर SRPF ने बिना जिला अधिकारी का लेटर देखे बिना इन 7 लोगों की पिटाई की है। PI रामचंद्र वलतकर ने बताया है कि SRPF से जब पूछताछ होगी उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।